हाय गाइस, मेरा नाम ध्रुव है और फाइनली स्कॉडा ने अपनी सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी फाइनली मार्केट में ला दी है 7.89 लाख की प्राइसिंग, जो कि बहुत अट्रैक्टिव है। इस प्राइस पॉइंट में आखिर क्या मिल रहा है? सो यहाँ पर ग्लोबल स्कॉडा डिज़ाइन लैंग्वेज आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि जो कि इसका फ्रंट प्रोफाइल है कोडियाक से काफ़ी सिमिलर है, काफ़ी अपलिफ्टेड बॉनेट है तो मस्कुलर डिज़ाइन है, साइड प्रोफाइल से थोड़ा कुशाक का फील आपको आएगा। सो ये जो डिज़ाइन लैंग्वेज है फ्यूचर में भी इनकी बाकी कार्स में भी देखने को मिलेगी, चाहे वो इंडिया में हो या फिर नेशनली हो। अब यहाँ पर अगर मैं फ्रंट की बात करूँ तो पहले आपको स्कॉडा का लोगो, यहाँ पे ब्लैक पियानो फिनिश ग्रिल आपको मिल जाएगी, लोअर ग्रिल आप देख सकते हो, सिल्वर आपके स्किड प्लेट आ जाती है, DRLs और LED हेडलैम्प जो हैं वो स्टैंडर्ड हैं अक्रॉस ऑल द वेरिएंट्स, तो ये बहुत ही कमाल की चीज़ है। उसी के साथ साथ गाड़ी में मैं इंजन की अगर मैं बात करूं, 1 लीटर 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन है, जो कि 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स, उसी के साथ साथ आपको 6 स्पीड ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर भी मिल जाता है। उसी के साथ साथ गाड़ी 0 to 100 10.9 सेकेंड्स में ये करके देगी, वहीं पे 115 PS और 178 Nm ऑफ टॉर्क ये प्रोड्यूस करती है, और ये वही इंजन है जो आपको कुशाक में देखने को मिल जाता है। अब आ जाओ साइड प्रोफाइल पर, तो यहाँ पर सबसे पहले जैसे ही आप नज़र डालोगे, सो स्कॉडा कुशाक का ही यहाँ पर प्लेटफॉर्म यूज़ किया है इस गाड़ी में, बट जो गाड़ी की लेंथ है वो कम कर दी है, जो कि 3995 mm की लेंथ है इस गाड़ी की, जो कि 4 मीटर के अंदर है। 17 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स यहाँ पर आपको मिल जाते हैं इस गाड़ी में। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल एंड रिट्रैक्टेबल ORVMs, हालांकि कोई 360 कैमरा इसमें नहीं मिलता, बट LED टर्न इंडिकेटर मिल जाएंगे। यहाँ पर पैसिव रिक्वेस्ट सेंसर, डोर पे क्रोम मिल जाएगा, रूफ रेल्स आपको ब्लैक्ड आउट प्लास्टिक में यहाँ पर मिल जाती हैं। उसी के साथ साथ 189 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है इस गाड़ी में, जो कि एक अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस है। बड़े ही प्यार से कोई भी हर्डल, बड़े ब्रेकर्स या बड़े गड्ढों के आराम से टैकल कर लेगी गाड़ी। वहीं पे यहाँ पर इसका फ्यूल टैंक है, उसी के साथ साथ फ्रंट में डिस्क ब्रेक है, रेयर में आपको ड्रम ब्रेक मिलता है। अब आ जाते हैं रेयर प्रोफाइल पर, तो यहाँ पर ऊपर शार्क फिन एंटेना, यहाँ पर स्पॉइलर, आपका हाई माउंट स्टॉप लैम्प, रेयर डिफॉगर, वॉशिंग वाइपर, रिवर्स पार्किंग कैमरा। सबसे कमाल की चीज़ इस गाड़ी में जो मुझे लगी, जो कॉस्ट कटिंग नहीं की है, वो है इसके LED टेल लैम्प। अब LED टेल लैम्प स्टॉप लाइट तो है ही भाई, रिवर्स लाइट और टर्न इंडिकेटर भी इसके LED हैं। मैंने बहुत सारी गाड़ियाँ देखी हैं 15-15 लाख की, जिनमें हैलोजन यूज़ किया, बट यहाँ पर प्रॉपर LED है। थोड़ा पास आ जाएंगे तो यहाँ पर सिल्वर आपके स्किड प्लेट आ गई, पीछे आपके 2 पार्किंग सेंसर्स आपको अल्ट्रासोनिक मिल जाते हैं। अब बोलते हैं गाड़ी का बूट स्पेस, सेगमेंट में सबसे बड़ा बूट स्पेस यहाँ पर आपको मिलता है, जो कि है 446 लीटर्स का, अगर आप देखते हो पूरा बूट स्पेस। और इसकी कमाल की बात पता है क्या है, ये जो पार्सल ट्रे यहाँ पे निकाली है ना, आप इसको सिंपली यहाँ पर कुछ इसको ऐसे टक इन भी कर सकते हैं, तो अलग से पार्सल ट्रे घर में रखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली यहाँ रख सकते हो। अगर समझो बड़े बड़े सूटकेस हैं तो इसको आप ये कर सकते हो। अब ये तो है 446 लीटर सेगमेंट में सबसे बड़ा, चाहे नेक्सॉन हो गई, ब्रेजा हो गई, सभी से कंपेयर करके बता रहा हूँ। बूट लगेज लैम्प यहाँ पर आपको मिलता है, अगेन ये हैलोजन में है, ये आपके 3 किलो के आपको ग्रॉसरी हुक दोनों तरफ पे मिलेंगे। उसी के साथ साथ अगर मैं ये सेकेंड रो गिरा दूँ ना, 1265 लीटर का बूट स्पेस है ये सेकेंड रो गिराने पे, बहुत अच्छा है। और 446 तो डेफिनेटली काफ़ी कमाल का बूट स्पेस है। उसी के साथ साथ आ जाते हैं ये साइड पे, तो आपको पैसिव रिक्वेस्ट सेंसर यहाँ पर भी मिल जाएगा इसमें, जो कि पैसेंजर साइड है। अब ये तो हो गया एक्सटीरियर, चलते हैं इंटीरियर में, कम्फर्ट और स्पेस दिखाता हूँ और फिर फ्रंट कैबिन की बात करते हैं। सो अंदर मैं बैठ गया हूँ, यहाँ पे काफ़ी कंफर्टेबल है, बट पहले डोर ट्रिम की बात करते हैं। सो आपको क्रोम फिनिश में यहाँ पे इंटीरियर डोर हैंडल मिलता है, नीचे आपको यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक हर जगह मिलेगा, बट जो आर्मरेस्ट वाला पार्ट है वो लेदर फिनिश में आपको मिल जाता है, जो कि काफ़ी प्रीमियम भी लग रहा है। जस्ट उसके नीचे स्पीकर्स आप देख सकते हो, एंड डोर पॉकेट जहाँ पे 1 लीटर बॉटल स्टोरेज, प्लस आप कुछ भी सामान अपना वहाँ पे बड़े ही प्यार से रख सकते हो। इंटीरियर की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो मेरी हाइट 5'8" है, 5'8" के हिसाब से ये जो सीट है ना, ये पूरी पीछे की है, ये मेरी हाइट के हिसाब से भी एडजस्ट नहीं है, फिर भी नी रूम देखो, इतना नी रूम बच रहा है 5'8" के हिसाब से। इसको थोड़ा आगे लूंगा ड्राइविंग सीट के हिसाब से, तो कंफर्टेबली बैठा जा सकता है। अब सीट पॉकेट देखो यहाँ पर आपको मिल जाती है, प्लस मोबाइल पॉकेट आपको यहाँ पर मिल जाती है, ये देखो, और यही सेम चीज़ आपको यहाँ पर भी मिलती है। उसी के साथ लेग रूम यहाँ पर थोड़ा और बेटर हो सकता था, जो नीचे का लेग रूम है। एंड यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, सेंटर में कोई एडल्ट अगर बैठता है तो ये जो पार्ट है ना, पूरा घुटने में बड़े ही प्यार से टकराएगा। उसी के साथ साथ यहाँ पर रेयर AC वेंट्स, 2 C टाइप फास्ट चार्जिंग पोर्ट है,
USB A टाइप का गया जमाना, USB C टाइप दो मिल रहे हैं आपको इस पीछे गाड़ी में। यहाँ पर रिट्रैक्टेबल हैंडल बार है कोट हुक के साथ, और ये दोनों तरफ है LED कैबिन लैंप्स। ये तो सबसे कमाल की चीज़ है कि मतलब भाई इसमें कोई कॉस्ट कटिंग नहीं की, मतलब हैलोजन दे दिया या जो भी। अब बेस्ट पार्ट पे आते हैं, 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट, आप देख रहे हो 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट हैं, आर्मरेस्ट दिया है, कप होल्डर्स दिए हैं, बट एक मिनट, हाँ जी, मिडिल पैसेंजर को भी 3-point सीट बेल्ट दी है, और आपके दोनों यहाँ पे आ जाते हैं। आइसोफिक्स आपको दोनों तरफ यहाँ पर मिल ही जाते हैं। अब ये तो हो गया पीछे का कैबिन, एक बार हेडरूम दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ पर क्या कुछ स्पेस बच रहा है, ठीक है, हो सकता है मेरे से अगर 6 फुट का अगर यहाँ पे बंदा बैठा तो टकरा जाएगा सर, ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ। अब फ्रंट कैबिन में चलते हैं और मैं दिखा देता हूँ क्या कुछ आपको आगे मिल रहा है, और फिर वीडियो को जल्दी एंड करते हैं। सो फ्रंट डोर ट्रिम पे यहाँ पे आपके ORVM के कंट्रोल्स, आपके चारों इलेक्ट्रॉनिक विंडोज़, उसी के साथ डोर पॉकेट, स्पीकर्स यहाँ मिल जाएंगे। बट आते हैं इसकी सीट पे, जो कि इस गाड़ी की USP है, वेंटिलेटेड सीट है दोनों की दोनों, ड्राइवर और को ड्राइवर, और दोनों ही इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, वो भी 6-way। काफ़ी अच्छी चीज़ है कि मतलब बहुत सारी ब्रांड्स हैं जो पैसेंजर साइड का मैनुअली रखती हैं बट ड्राइवर साइड का वो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक रखते हैं, यहाँ दोनों इलेक्ट्रॉनिक है। बैठते हैं अंदर कैबिन में। तो यहाँ पर जो सीटिंग है इसकी वो काफ़ी भाई SUV वाला फील दे रही है। आते हैं इसके डैशबोर्ड की बात करते हैं। डैशबोर्ड को जैसे ही आप ओवरऑल देखते हो तो कुशाक से काफ़ी मिलता जुलता है यहाँ पर ओवरऑल डैशबोर्ड। यहाँ पर आप देखते हो अच्छे खासे एलिमेंट्स यूज़ किए हैं, यहाँ पे थोड़ा सैटिन फिनिश है, यहाँ पे थोड़ा प्लास्टिक फिनिश है डैशबोर्ड, यहाँ सब कुछ आप अपना सामान वगैरह या भगवान जी की मूर्ति या परफ्यूम ऐसे कुछ चीज़ें वहाँ रख सकते हो। उसी के साथ यहाँ पर आते हैं तो 10-inch का टच स्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस आपको मिल जाता है, बड़ा इन्फोटेनमेंट सिस्टम है। यहाँ पर देखो 8-inch का फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यहाँ पे आपको मिल जाता है। अगेन ये भी पूरा डिजिटल है, और यही सेम चीज आपने कुशाक और इन गाड़ियों में भी देखी होगी। स्टेयरिंग व्हील आपको फुली लेदर आप यहाँ पे मिल जाएगा, 2-spoke स्टेयरिंग व्हील है। मीडिया कंट्रोल्स आप देख सकते हो यहाँ पर, और इसको एडजस्ट कर सकते हो आप टेलीस्कोपिकली, जो कि काफी कमाल की चीज है। यहाँ पर आते हैं AC वेंट्स, आप देखो थोड़ा क्रोम एलिमेंट यूज किया है। यहाँ पर सारे एयरकॉन कंट्रोल्स हैं, हैजार्ड बटन, वेंटिलेटेड सीट के बटन, लॉक बटन यहाँ पे आइडल स्टार्ट स्टॉप बंद करने के लिए। नीचे भी 2 C टाइप चार्जिंग पोर्ट दिए हैं, उसी के साथ वायरलेस चार्जिंग पैड यहाँ दिया है। ये है इसका 6-speed ऑटोमेटिक टॉक कन्वर्टर गेयरबॉक्स, गाड़ी मैनुअल में भी आती है। 12V सॉकेट यहाँ पे आपको मिल जाएगा चार्जिंग के लिए अलग से अगर आपको करना है। यहाँ पर आप देखो आप अपनी गाड़ी की चाबी, यहाँ पे कप होल्डर्स जो कि स्मार्ट ग्रिप कप होल्डर्स हैं, इसके नीचे स्टोरेज कंपार्टमेंट अच्छा है, सामान अच्छा खासा उसमें लोड हो जाएगा। हैंडब्रेक की टिप आपको यहाँ पर क्रोम में मिल जाती है। ऊपर यहाँ पर आपको इसमें टिकट होल्डर यहाँ मिलता है, टिकट होल्डर यहाँ भी मिलता है, ये देखो ये स्मार्ट टिकट होल्डर ये लोग बोलते हैं इसको। उसी के साथ साथ इस तरफ अगर मैं दिखाऊं वैनिटी मिरर इधर मिलता है, बट कोई भी वैनिटी लाइट नहीं मिलती। LED कैबिन लैंप्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ये कुछ आप देख सकते हो। ऑटो डिमिंग IRVM आपको यहाँ पर मिल जाएगा, बिल्कुल बेजल लेस है, काफी कमाल का लग रहा है देखने में। यहाँ पर इसकी बात करूं सनग्लास होल्डर यहाँ दिया है भाई, पहली बार देखा मैंने किसी गाड़ी में सनग्लास होल्डर यहाँ दिया है, यहाँ नहीं, हमेशा हर गाड़ी में आपको यहाँ पर मिल जाता है। और कंफर्ट अच्छा है, अगर आप देखते हो आपको हल्की फुल्की बॉनेट लाइन भी यहाँ से दिखेगी, तो ड्राइविंग के टाइम आप अपनी सीट को ऊपर कर लो, आपको अच्छे खासी विजिबिलिटी होगी, ड्राइविंग में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सिंगल पेन आपको सनरूफ यहाँ पे मिलती है, पैनोरामिक सनरूफ आपको इसके टॉप मॉडल या कोई भी मॉडल ले लो नहीं मिलती, इसमें सिंगल पेन सनरूफ ही आती है। उसी के अलावा इस गाड़ी में स्टैंडर्ड है 25+ सेफ्टी फीचर्स, और टॉप मॉडल में 35+ आपको सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं, जिसमें आपको 6 एयरबैग स्टैंडर्ड है, ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, ये सभी चीज़ें आपको इसमें मिल जाती हैं। एक और चीज़ यहाँ पर आपको, अगर आप डोर के जस्ट नीचे देखते हो, आपको रिफ्लेक्टिंग टेप दी है यहाँ पर, और यही सेम चीज़ आपको पीछे वाले डोर के पास भी दी है, यहाँ देख सकते हो। सो बेसिकली कभी आप हाईवे पे खड़े हो, ये साइड के डोर आपके खुले हैं, तो जैसे ही लाइट रिफ्लेक्ट होगी पीछे पता चल जाएगा। यस, ये था पूरा काइलेक के बारे में पूरा वीडियो। अब जब ये गाड़ी मेरे पास आएगी मैं चला के देखूंगा, तभी बता पाऊंगा कि चलाने में कैसी है एग्जैक्टली। बट ओवरऑल प्रोडक्ट की बात करूँ, कम्फर्ट अच्छा है, अंदर स्पेस अच्छा है, कहीं ना कहीं थोड़ा लेग रूम या फिर थोड़ा हेड रूम और बेटर हो सकता था, बट बूट स्पेस काफ़ी कमाल का है। हर प्रकार के फीचर्स जो एडवांस हैं आपको मिल जाएंगे, सेफ्टी फीचर्स काफ़ी कमाल के हैं, इंजन ऑप्शन वही आपको कुशाक वाला मिलता है, काफ़ी पावरफुल इंजन है, और जो यहाँ पर थोड़ा कोडियाक से मिलता जुलता अपलिफ्टेड बॉनेट है, SUV और मस्कुलर लुक देता है,
ये मुझे काफ़ी सही लगा। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ काइलेक आपको कैसी लगी, क्या आप इस गाड़ी को कंसिडर करोगे ये भी बताना, एंड इसके अलावा जो भी आपके सवाल होंगे आप मुझसे पूछ सकते हो। टिल देन बाय गाइस, टेक केयर एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, आगे और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आती रहेंगी।